इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। आगामी 18 और 19 जून को मौलिक संस्थान द्वारा लेक्सिटी में नाट्य उत्सव उस्मानी रंग का आयोजन किया जा रहा है। शहर के शिल्पग्राम स्थित दर्पण सभागार में आयोजित होने वाले नाट्य उत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मौलिक संस्थान के अध्यक्ष महेश आमिटा ने बताया कि संस्थान द्वारा शहर में कई नाट्य उत्सव पहले भी आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार यह नाट्य उत्सव राजस्थान और देश के जाने माने रंगकर्मी उस्मान साहब को समर्पित होगा, इसलिए नाट्य उत्सव को उस्मानी रंग नाम दिया गया है। नाट्य उत्सव में रिजवान जाहिर उस्मान द्वारा लिखित नाटक तीतर, सुन लड़की, दबे पांव आते हैं सभी मौसम का मंचन होगा और इन नाटकों का निर्देशन लेक्सिटी के मशहूर रंग निर्देशक शिवराज सोनवाल करेंगे। अभी उस्मानी रंग करके एक थिएटर फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं 18-19 जून को, जो कि समर्पित है हम सब के गुरु और राजस्थान के क्या भारत के बहुत बड़े रंगकर्मी, नाट्यकर्मी और लेखक श्री रिजवान जहीर उस्मान को। और इसका नाम हमने दिया है उस्मानी रंग। उस्मानी रंग इसलिए कि उनके लिखे हुए प्ले हम कर रहे हैं और हमेशा उनसे जो सीखा और जो रंग हम पर है वो रंग हम उस नाटकों में बिखेर रहे हैं। और 18 तारीख को जो पहला प्ले है वो होगा तीतर, जो सर के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो है उदयपुर के जो फिल्मी और टीवी जगत में भी जाने माने नाम है श्री दीपक दीक्षित, जो कि शुरुआत थिएटर से हुई थी और हम तो रंगकर्मी पहले मानते हैं उनको, जो वरिष्ठ रंगकर्मी है दीपक दीक्षित उसमें अभिनय भी कर रहे हैं, साथ में उनके दो जूनियर बच्चे हैं अमित व्यास और उपेंद्र चौहान। तो पहला नाटक की डिटेल ये है जो कि 7:30 बजे शिल्पग्राम दर्पण सभागार में होगा। दूसरे दिन का प्ले है सुन लड़की दबे पांव आते हैं सभी मौसम, वो भी सर के द्वारा लिखा गया है, वो भी 7:30 बजे। और इस पूरे आयोजन में जो सबसे बढ़िया बात है वो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ने हमको अपनी जगह दी, हमको कोऑपरेट किया और ये सारा आयोजन इसलिए हो पा रहा है कि क्योंकि रंगकर्म में अभाव में होता है रंगकर्म और सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, हॉल की ज़रूरत पड़ती है, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया है इसमें, मैडम किरण सोनी गुप्ता ने हमको एक ही मीटिंग में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया और हम उनका भी आभारी हैं। तो बस आप सब मीडियाकर्मियों से है कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उस्मानी रंग का आनंद लें और इसका प्रचार प्रसार हो, आप सबका धन्यवाद। सर क्या ड्यूरेशन रहेगी? पहला प्ले 1 घंटे 10 मिनट का है और जो दूसरा प्ले है वो लगभग 1 घंटे 20 मिनट का है। हाँ, दर्शकों के लिए बिल्कुल निशुल्क है ये, क्योंकि हम सर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो इसमें कोई प्रोफेशनल एंगल इसमें नहीं है और जो बच्चे अभिनय कर रहे हैं वो भी स्वेच्छा से कर रहे हैं और अपना पूरा सब कुछ अपना समय अर्पण कर रहे हैं वो इसमें, और सारे जो उदयपुर के युवा रंगकर्मी हैं वो सब इससे जुड़े रात दिन दौड़ के इसको काम कर रहे हैं। कहीं कहीं हम प्रचार प्रसार में प्रोफेशनल तरीके से जा नहीं पाते, इसलिए आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि कहीं भी मैं मानता हूँ कि जो पत्रकारिता है वो भी थिएटर का कहीं एक विस्तार है। तो आप, मुझे लगता है आप मेरी फर्टर्निटी से ही हैं, तो उन्होंने भी हमेशा चीज़ें उठाई हैं यंगस्टर्स के लिए, बच्चों की चीज़ों के लिए, जो भी शोषण है या जो बड़ी विपरीत चीज़ें हैं समाज में उसके लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ खड़ी की है। तो वो आवाज़ एक बार फिर गूंजेगी 18 और 19 को। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student teachers ratio, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, The Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.